अच्छे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सर? तो कल मैंने आपको यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस पढ़ाया था, ठीक है, और उसका एक क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिया था। दो बच्चों ने ग्रुप में लिख के भेजा, बहुत अच्छी बात है, उनके आंसर्स भी सही थे। बाकी बच्चों ने पता नहीं किया, तो पढ़ा नहीं है, या फिर अभी वो पीछे चल रहे हैं, या फिर उन्होंने जानबूझ के आलस कर लिया, या फिर अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं तो बिना प्रैक्टिस किए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता कि आपको मैं वहाँ आके देख रहा हूँ जो आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपकी ईमानदारी आपके साथ है। आप जब तक चीज़ें अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक साइंस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये कटु सत्य है, और ये मान के चलिए, ठीक है। आप भले से टॉपर ही क्यों ना हो 10th के, मगर आप जब तक खुद लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ें पढ़ोगे नहीं, तब तक आपसे साइंस के टॉपिक्स आगे दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं है। अब जैसे आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, फिर उसके बाद अपन आगे बोहर मॉडल वगैरह जो भी आएंगे वो पढ़ेंगे। अभी हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम तो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था जब एटम के बारे में समझाया था कि एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, यानी एक दो तीन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं परमाणु के मूलभूत कण। मैंने यह भी बताया था आपको कि अमूलभूत कण क्या होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल, उस वीडियो में बताया था कि ऐसे पार्टिकल जो स्मॉल तो होते हैं बट वो एग्जिस्टेंस नेचुरली उनका उतना अच्छा नहीं होता जितना फंडामेंटल का होता है, तो उसे अपन नॉन फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे मैसॉन, पाई मैसॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे पार्टिकल होते हैं, एलिमेंट्स गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो अब परमाणु के मूलभूत कण फंडामेंटल पार्टिकल तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक बेटा। आज अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो आपका हेडिंग हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, पहला हेडिंग हो गया आपका। उसके अंदर जो सब टाइटल है मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। पहला अपन इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, उसको डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले? जे जे थॉमसन ने, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? जे जे थॉमसन ने की थी, हिंदी में लिखेंगे खोजकर्ता, ठीक है। नामकरण, जैसे आपका भी जन्म होने के बाद पंडित जी आए होंगे, नाम दिया होगा आपको, नोमेनक्लेचर जो होता है हमारा, नामकरण जो होता है, वैसे इसका भी जो इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया वो सजेस्ट किया था स्टोनी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हिंदी में ऐसे लिख देना स्टोनी। जे जे थॉमसन, हिंदी अंग्रेजी में एक ही तरीके से लिखा जाएगा, जे जे थॉमसन लिखना आता ही आपको। कहाँ पर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, इसके प्लेस क्या है, मतलब आप किस जगह की बात करोगे जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो आपको पहले समझा चुका हूँ बच्चों में कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके बाहर जो शेल्स होते हैं उनमें ये सर्कुलर पाथ जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसे अपन शेल कहते हैं, उसमें चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट। आज सारी जानकारी अपन इलेक्ट्रॉन की ले लेंगे, फिर प्रोटॉन की लेंगे बाद में, फिर न्यूट्रॉन की लेंगे। आज इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी लेने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात यह है, मैंने जब एटॉमिक मास पढ़ाया था तब भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का कण होता है, बहुत लाइट पार्टिकल होता है, कि इसके मास को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइटली फंडामेंटल पार्टिकल। आपसे पूछा जाए कि परमाणु में सबसे मूलभूत कणों में से हल्का कौन है, तो इलेक्ट्रॉन। कौन सबसे लाइट पार्टिकल है फंडामेंटल पार्टिकल में, तो इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये बात आपको लगती नहीं, गले उतर रही हो, तो देखो आज अपन इसके कैलकुलेशन देखते हैं कि देखो क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME, M तो मास के लिए हो गया, E यानी इलेक्ट्रॉन, कितना होता है ग्राम में? 9.109 × 10⁻²⁸। अब आप देख लो कितना हल्का है ये, 1 ग्राम कितना हल्का होता है, ठीक है। अगर आप इस −28 को अगर इसे सही तरीके से लिखो ना, 00 वाली में, तो 0.00000 28 जीरो लगाओगे, 28 जीरो, उसके बाद आएगा 9.9109 ग्राम, कितना हल्का मास हो गया ये, ठीक है। अगर इसी को आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहो तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करने का मतलब हो गया इसमें आप 10³ का भाग दोगे, 10³ ऊपर आएगी, क्या बन जाएगी? 10⁻³।
यानी जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मैथमेटिक्स आपको आती होगी। अगर नहीं आती मैथमेटिक्स में आपको, जैसे पावर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ग्रुप में लिख के डिमांड भेज दीजिएगा कि सर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास भी दीजिए, तो मैं आपको एक वीडियो उसका भी बना दूंगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है बोलते हैं इस टॉपिक को। हालांकि ये मैथ का टॉपिक है, फिजिक्स में ज्यादा काम आता है, बट मैं आपको केमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है तो वो भी सिखा दूंगा, बट आप बोलोगे तो मैं सिखाऊंगा अननेसेसरी। मैं तो ही मान के चलता हूं कि टेंथ का बच्चा है उसको आता है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व किया तो आ गया टेंस पावर माइनस 31। अब जिसको ये दिक्कत आ रही है कि टेंस पावर माइनस 31 कैसे आया, वो इस टॉपिक को पढ़ने के लायक है, ये समझ सकता वो। ठीक है, अब बात आती है ए एम यू, इसका नाम क्या होता है। ए एम यू मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ए एम यू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। आपको जब मैंने मास पढ़ाया था, एटॉमिक मास बता रहा था, तो उस दिन भी जिक्र किया था इस बात का, एटॉमिक मास यूनिट यहां भी लिखा हुआ है। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको परमाणवीय द्रव्यमान इकाई, और आज की जगह, आजकल इसकी जगह जो है एक और यूनिट लिखने लगे अपन, जिसे यू से लिखते हैं डायरेक्ट, वो होता है यूनिफाइड मास। ठीक है, बट अभी आपको एटॉमिक मास यूनिट पे बात करनी है अपन को। तो ये ग्राम में इतना होता है, किलोग्राम में इतना होता है, फिर एएमयू में कितना होता है, 54.854 टेंस पावर माइनस 5 एएमयू। अब आप बोलोगे सर हम क्या क्या याद रखें, चारों चीजें रटें? नहीं, ऐसा नहीं है, आप केवल इसको याद रखो। ठीक है, 9.109 इंटू टेंस पावर माइनस 28 ग्राम में होता है, किसमें होता है, ग्राम में होता है, देखो लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद जब किलोग्राम में कहीं जरूरत पड़े तो आप कन्वर्ट कर लो, 1000 से भाग दे दो। अगर आपको एएमयू में जरूरत पड़ती है तो एएमयू में आपको याद रख लो तो ठीक, वरना वो भी मैं सिखा देता हूं कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो एक ग्राम में होता है 6.022 टेंस पावर 23 एएमयू। तो बताओ बच्चों दो ग्राम में कितना होगा, दो ग्राम में कितना होगा, 2 × 6.022 टेंस पावर 23 होगा, और यूनिट क्या आ जाएगी, एमयू। सिमिलरली 3 ग्राम में कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको और एएमयू आ जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूं आपको इतने ग्राम में क्या होगा, ठीक है इतने ग्राम में क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई, 9.109 इंटू टेंस पावर माइनस 28 ग्राम, ये ग्राम में दे रखा है। ठीक है, ये आपके एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इसे आप कन्वर्ट कर रहे हो एएमयू में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ये 9.109 इंटू टेंस पावर माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 6.022 टेंस पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये सॉल्व करने पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा, पावर क्या आ जाएगी, 10 के पावर माइनस 28 है, 10 के पावर प्लस की 23 है, तो माइनस 5। अब इस माइनस 5 को मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो ये चीज आ जाएगी। अगर ये मैथमेटिकल चीजों में दिक्कत आती है किसी बच्चे को, तो प्लीज आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि सर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी वीडियो क्लास बना दीजिए, मैं कर दूंगा आपकी हेल्प। ठीक है, बस आप सीखने में इंटरेस्ट लो, सीखना चाहो, हमें सिखाने में कोई जोर नहीं आता, हमें और अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये जो वैल्यू आई है देखो 0.0054854 कितना छोटा वैल्यू है, 0.000 जैसे आपके मान लो कि नंबर आए 10 नंबर का पेपर हुआ, 10 नंबर में से आपके मार्क्स कितना आए 0.00005, तो ये कोई मार्क्स में मार्क्स है, बहुत कम नंबर आए। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं लगभग जीरो ही आया है, तो इसी तरह से अपन लमसम इसको मान के चलते हैं कि शून्य के बराबर है ये, एग्जैक्टली शून्य नहीं है
लगभग मान सकते हैं, इसीलिए बहुत हल्का होने के कारण अपन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को तो आप काउंट करो ही मत। जैसे एक स्टूडेंट का वेट है 50 kg, अब उसके नाखून का थोड़ा सा पार्ट काट लिया आपने और अलग कर दिया। अब साइंस तो कहती है कि उसका जितना वजन है वो वजन आप दोबारा उसका वेट करोगे तो कम होना चाहिए, मगर ऐसा प्रैक्टिकली संभव होता नहीं है, दिखता नहीं, फिर भी वो 50 kg का नजर आएगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो है नाखून आपने उसका कट किया है, वो आप पूरी बॉडी के जो मास के रेस्पेक्ट में, उसके द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में उसको न के बराबर मान सकते हो, शून्य के बराबर। तो ठीक तुलनात्मक रूप से अपन कह सकते हैं कि जीरो है यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है अगला पॉइंट बच्चों, ये आप नोट कर लेना, यह आपको याद रखना बहुत काम में आएगा, रिलेशन ग्राम और एमयू के बीच में क्या होता है। ठीक, अब आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखो चार्ज यानी होता आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस वन। वैसे तो अपन जनरली 1.6 तक ही लिखते हैं, मगर -1.602 इंटू, क्योंकि अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है 1.6 ही लिख के काम चला लेते हैं, बट अभी पूरा लिख रहे हैं 1.602 टेंस पावर -19 कूलम। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आपको हमेशा काम आएगी, क्योंकि ये प्रोटॉन में भी काम में आ जाएगी। हिंदी में कूलम कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखी दिया, और इसका सिंबल क्या होता है, सी, तो मैंने यहां सी लिख दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.602 इंटू 10^-19 कूलम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में कितना होता है, तो ये क्या होता है, देखो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर वैद्युत की इकाई। ट्वेल्थ में आप स्थिर वैद्युत के नाम से याद रखना मेरी आज की बात, पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में, पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत की, मगर आज ये नाम पहली बार आ रहा है आपके सामने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से एक चैप्टर है आपका। ठीक, तो ESU में आपसे पूछ ले तो क्या करना होता है, देखो अपन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। एक कूलम में होता है 3×10^9 ESU, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब आपको क्या दे रखा है कूलम में, तो बताओ एक कूलम में इतना होता है, दो कूलम में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कूलम में 3 से, तो -1.602×10^-19 कूलम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1.602×10^-19×3×10^9 यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, अब ESU मल्टीप्लाई करोगे आप फटाफट से, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका -4.806×10^9, देखो माइनस का 19 है प्लस का 9 है तो माइनस का 10। ठीक है, और ये आ गया आपका ESU। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको ये याद करना है। ठीक है, आपको कूलम में दे रखा है, कहीं जरूरत पड़े किसी न्यूमेरिकल में तो ESU में आप कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करें तो लास्ट पॉइंट होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-। क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज होता है वो तो न के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी मास जो है वो तो न के बराबर होता है, केवल चार्ज अपन शो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो अपन इसको जनरली क्या लिखते हैं, E- लिख करके आगे बढ़ते हैं। तो ये आज पूरी जानकारी हो गई आपकी, किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के अपन देखेंगे कैसे होते हैं,
ठीक। एक छोटी सी चीज क्वेश्चन पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं नॉट। देखो बच्चों, जब भी आपको पूछा जाए मॉल के बारे में, तो एक मॉल क्या होता है, 6.023 × 10^23। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा अभी लमसम अपन ने देखा था, ठीक है, कि 1 ग्राम को एएमयू में लिया था तब भी ये वैल्यू थी। हाँ बिल्कुल यही थी, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपको भी जब मैं मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना अगला टॉपिक, तब क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है क्या नहीं। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, जब भी आपसे एक मॉल पूछा जाए, चाहे वो एक मॉल कुछ भी पूछा जाए, एक मॉल पेन पूछ ले आपसे, एक मॉल चार्ज पूछ ले आपसे, एक मॉल द्रव्यमान पूछ ले, कुछ भी कर ले, तो आपको इससे गुणा करना सीधे सीधा। अभी इतना ध्यान रख लो, फिर अगला जो टॉपिक होगा हमारा मॉल कॉन्सेप्ट जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें और चीजें मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। देखो मॉल जो है ना 6.023 × 10^23 के इक्वल होता है। अब जैसे क्वेश्चन आया आपके पास, क्या क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मॉल इलेक्ट्रॉन। एक मॉल इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करो। तो देखो क्या करना है, आंसर वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश −1.602 × 10^-19 कूलम। ये अब आप बिल्कुल बिल्कुल उंगलियों पे याद होना चाहिए आपको, फिंगर्स एंड पे होना चाहिए कि किसका क्या होता है, बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए ना। आपको पूछे कितना है, अगर मैं पूछता 2 इलेक्ट्रॉन का कितना है, आप क्या करते, डबल, 3 का है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 का, आपको कितना पूछा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल का मतलब इससे मल्टीप्लाई करना, तो इसको 6.02, सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो जाएगा, 6.023 × 10^23 − 1.602 × 10^-19 कूलम। इससे मल्टीप्लाई करना, जब भी 1 मोल आपको पूछे तुरंत इस डिजिट से, इस संख्या से मल्टीप्लाई करना आपको। तो देखो कितना हो जाएगा, 6.023 × −1.602 × 10^+−19, ठीक है, तो 4 × 10^4, ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर खुद से प्रैक्टिस करो फटाफट, लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा 96 −96 = 4.72 कूलम, ठीक है। 10^ सॉल्व करने के बाद भी मैन ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैन नहीं है, यहां पर जो चेंज किया आपने ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे करें इसको, ये अगर आगे किसी को तो ये मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करना तो आ ही जाएगा आगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आंसर आज प्लीज ग्रुप में लिख के जरूर भेजना। आप लिखकर भेजोगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप मेरे वीडियोस को पढ़ रहे हो और आप फायदा उठा रहे हो, जो भी क्लासेस मिल रही है उसका, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप घर से सॉल्व करके भेजना, मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये होमवर्क है भैया, जो जो इसको लिख के भेजेगा उसको पता चल जाएगा वो पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद आगे की बातें अपन करेंगे, प्रोटॉन के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो कल मैं मैथमेटिक्स वाला टॉपिक ले लूंगा, आप जरूर लिख के भेज देना ग्रुप में, है ना।